ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಭಾರಕಿ ಸಕಲ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಏಕ ಮರಾಠ ಲಾಕ್ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ರಾಮರಾವ್ ಬಿರಾದಾರ್ ವರವಟ್ಟಿ ಶಾಂತವೀರ್ ಅವರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ನೋಡಿದರೆ ಭಾರಕಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯದ ಸಾವಿರಾರು ಮತದಾರರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈವರೆಗೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಮುದಾಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಕಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಿನಕರ್ ಮೊರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನಾಥ್ ಭಾರಕಿ ಅವರು ಕೂಡ ವಿಲೇಜ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ 1987 में मंडल प्रधान था 89 में DPH चेयरमैन था और सभी भालकी में जब कभी भी टू मच होता है परिवर्तन कुछ करना है तो हमने बहुत कुछ किया है। भालकी में APMC का चुनाव था जब NB पाटिल साहब को पूरा 9 के 9 टीम लाए उसके बाद टूमच विमाना खंडे जी का कांग्रेस का हुआ था। मैं जब जनता पक्ष में था तब बराबर कल्याणराव मोड़खरी को लाए और बाद में जब 99 में था मैं जनता पक्ष में था जब भी खूब टूमच हुआ था जब जब परिवर्तन करने की जरूरत होती है मैं बराबर में तैयार रहता हूँ। जब भी प्रकाश खंडे को तैयार नहीं थे उन्होंने बराबर उनको ठहरा किए और मैं सारथी होके बराबर चुन के 11,000 लीड से चुन के लाए और कभी कभी किसी पक्ष का या किसी व्यक्ति का और किसी का अन्याय जुलूम गलत कामा होता है तो सबका विरोध करने वाला भी मैं छूँ और मैं सभी लोगों को बड़ा करने में या अन्याय के खिलाफ लड़ाई करने में पहले से काम किए हूँ। DK को भी 2 बार झड़पी में 2 बार MLA इलेक्शन में मैं साथ दिया सब कुछ दिया टिकट कटा हुआ भी मैं दिलवाया सब कुछ किए लेकिन आजकल लोगों में ऐसी प्रवृत्ति हो गई सत्ता आने के बाद स्वार्थ काम चालू करने शुरू किए लोग। मैं ध्यान क्या हूँ कि मोदी और योगी ऐसी जोड़ी शानदार जोड़ी है। मैं BJP पक्ष का हूँ मैं पक्ष के खिलाफ मीटिंग नहीं ले रहा हूँ। पक्ष के अंदर जो भी कुछ गलतियां हो रहे और हमारे बड़े लोगों को मालूम होना इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग लिया गया है और देश पूरा आज मोदी जी का वर्ल्ड पॉपुलरिटी रैंकिंग फर्स्ट है। योगी जी तो योगी जी छाई साक्षात योगियों की योगी है उन्हें दोनों के नाम से और अमित शाह श्री कृष्ण का रोल निभाते हैं सारथी हैं वो सबके बुक और प्रूफ यानी हम जो है पहले से ही राष्ट्रवादी हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हिंदू स्वराज्य का स्थापना किया धर्म देश देश धर्म के वास्ते लड़ाई की उनका वंशज हूँ और कभी भी अन्याय किसी जाति के ऊपर किसी व्यक्ति के ऊपर होता है तो उसके आवाज़ खिलाफ उठाने वाला मैं पहला हूँ और मैं कभी चापलूसी करना जी गुजरी करना और पैसे दिए तो उधर सुबह एक तरफ दोपहर में एक तरफ रात में एक तरफ ऐसा जाने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन बहुत कुछ हो गया हमने बहुत कुछ देखा योगी मोदी के नाम पे वोट लेने वाले ये भालकी में भालकी मतदान क्षेत्र में ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार के बादशाह बन गए। ट्रांसफर में पैसा परसेंटेज लो हफ्ते लो और जो भी है बिल्कुल गलत काम चापलूसी जीवहुजूरी सप्लाई एंड रिप्लायर का धंधा हो गए। हम नीतिमत्ता नहीं कुछ कार्यकर्ता नहीं कुछ भी नहीं इसलिए कभी भी नए बॉटल में अगर कौन है मैं ले क्या आपके BJP के कौन है देखो सभी लोग वो हिल मिल के हैं उनको नया नाम जो डिप्यूटेड कैंडिडेट थे वो और MLA भी हैं वो भी सभी हैं सभी हिल मिल के छे सभी हिल मिल के छे कोई भी नहीं इम्पार्शल नहीं और जो है ये कब देश में मोदी योगी के नाम पे अच्छे लोग चुन के आना देश की इज्जत बढ़ाना निस्वार्थ सेवा भाव से काम करना ये जो भी है उसको जो है विराम यहाँ पर लगा है और ऐसे ही लोग और दोबारा मौका लेना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। योगी
और मोदी मोदी जी के जो सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास जो फार्मूला है, रामनाथ कोविंद किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था उनका नाम भी, लेकिन भी उन्होंने राष्ट्रपति बनाया उनको। एक दलित थे और एक द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी हैं, उनको भी राष्ट्रपति बनाए। क्यों बाबा, क्या दूसरे लोग नहीं थे क्या? लेकिन सभी जाति को लेकर चलने का उनका एक निश्चय है, सभी को न्याय देना और सभी को सत्ता में भागीदारी देना, ये उनका काम है। यहाँ पर बीदर जिला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मराठों का भालकी तालुका में है और बीदर जिला में 3 लाख के तकरीबन हमारी संख्या है, भालकी तालुका में 70,000 के तकरीबन है। तो इतना होने के बाद भी हम लोगों को कभी बीजेपी से टिकट नहीं दिया गया, क्योंकि पिछले इलेक्शन में 2018 का तुम आप देखो, 2018 के इलेक्शन में खाली एक ही समुदाय के 5 लोगों को बीजेपी का टिकट दिया गया, उसके वजह से डिफीट हुआ। इस बार भी ऐसा नहीं होना, एस्पिरेंट लोग हैं पालकी में, मराठा लोग टिकट मांगने के वास्ते एस्पिरेंट हैं और हम जो है इतना मांगने के बाद भी हम लोगों को टिकट देना या नहीं देना हाईकमांड के हाथ में है। हाईकमांड गलत फहमियों में जाके कोई चापलूसी करने वाले लोग ऊपर जाके कुछ माल सप्लाई करके रिप्लाई करके ऐसा जो कुछ भी करते वैसे लोगों को और भी दोबारा मौका दिए तो गलत होता, बल्कि हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग वैसा सेवाभावी लोगों को और जो है चारित्रवान लोगों को और फ्रेश और क्लीन हैंड लोगों को टिकट दो। जो भी आज तक बीजेपी के तरफ से टिकट दिए सही जो लोग हैं, जो जो दो दो बार चार चार बार गिरे हुए हैं, उनका डिफीटिंग मार्जिन क्या है? पहले बार को जो है 22,000 लीड से एक बार भी गिरा, एक 28,000, एक कैंडिडेट 69,000 लीड से गया कांग्रेस के मुकाबले में, और परसों का जो कैंडिडेट 2018 का 21,000 के ऊपर लीड से गए, उनका जो है मार्जिन क्या था? पहले 10,000 लीड से गिरा था बीजेपी का गया कैंडिडेट डिफीटेड कैंडिडेट, अब बाद में 21,000 से भी ज़्यादा लीड से गया। बार बार गिरने वालों को मौका नहीं देना ऐसे लोग, क्यों बार बार रोज वही जाते हैं, इधर लूटते हैं, चापलूसी करते हैं, ऊपर सब माल पानी सप्लाई करते हैं और टिकट लेते हैं, ऐसे लोगों को नहीं देना हमारी एक तमन्ना है। क्योंकि देखो एक जो भी धंधे चल रहे के सभी बिल्कुल गलत लोगों के हाथ में व्यवहार नहीं जाना बोल के हमारे को ये करने का है। अब ये मौका है, हमारे पालकी में कुछ कैंडिडेट हैं, 3-4 कैंडिडेट हैं, ये करे मांग रहे टिकट, उसमें से अच्छा इमेजेस पर्सन को नहीं देख के देना। कुछ पत्रकार ऐसा भी करते बहुत मौका दिए मराठों को टिकट नहीं वोट नहीं लिए ऐसा नहीं वैसा नहीं बोल के बोलते, जो भी डिफीटेड कैंडिडेट बीजेपी के तरफ से है, अब सरेस केस में एस्पिरेंट बीजेपी में कौन है, डिफीटेड लोगों को किसको भी टिकट नहीं देना, जो प्रेस है क्लीन है और इमेजियस पर्सन है वैसे लोगों को टिकट देना जरूरी है। कुछ भी गड़बड़ में ऐसे फालतू लोगों को टिकट दिए तो देश का नुकसान है और पार्टी का नुकसान है। जो पार्टी का अवमान किए, जो पक्षद्रोह किए ऐसे लोगों को और बार बार मौका देते, अरे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी हम लोगों को भी देना चाहिए। हम 90% मराठा लोग हर हमेशा बीजेपी को वोट डालते, हम राष्ट्रवादी हैं। 1922 में जब अंग्रेज सरकार था तब भी पहला मराठा रेजिमेंट हमारा ही था, देश की सेवा देश की रक्षा करने के लिए हम ही थे और हर हमेशा हम राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं और बीजेपी को वोट डालते। हिंदुत्व की रक्षा करने वाला और राष्ट्रवादी ये पार्टी बीजेपी तत्व वाली पार्टी है, तत्व वाली पार्टी भी गलत फहमी से या अनजाने में गलत लोगों को टिकट नहीं देना, पार्टी के नाम को कलंक लगाए सो लोग हैं, पार्टी का फ्लैग जलाए सो हैं, पार्टी के ऊपर पत्र फेंकी करे सो हैं और वैसे लोगों को आमदर लेते जाते ये अवसरवादी। मोदी ने क्या किया? परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करना। सब परिवारवाद, मैं होने के बाद और मेरी बीवी को जो, मैं होने के बाद मेरे बेटे को जो, दस दस बार भी हम कितना भी बार टिकट दिए उनको देना, क्या दूसरे नहीं है? जो भी है फर्क करने की, यानी इस बार सेवा भाव से कौन काम करता है और जाति को मौका देना ऐसे लोगों को ये करना जरूरी है। लोगों के दिल में बहुत कुछ है लोग, लेकिन लोग दब के हैं, किसी के पैसे को किसी के जूते को इसका इसको देख के डर के हैं, सभी दिल लोगों के दिल में। बेंगलोर में परसों मराठा समाज का मीटिंग लिए, हमारे शांतवीर केसकर साहब थे, खड़गंजी साहब थे, दिगंबरा मानकरी थे, बेंगलोर में लिए।
अब ऐसे भी लोग हैं जो लिंगायत समाज के, वो एक दोनवी हमारे बीजेपी के नेतागण, लेकिन मराठों के ऊपर अन्याय हो गया, मराठों को टिकट दो बोलने वाले भी, ये ऐसे बोलते हैं राष्ट्रवादी सेकुलर लोग हैं। यानी सबको मौका देना, क्या ऐसे लोग हजारों में लाखों में एक मिलने मिलते, और ये लोग हमेशा उन्होंने क्या दूसरों को मौका नहीं क्या, ये बिल्कुल ऐसा गलत होना नहीं। और जो भी है बिल्कुल हरासमेंट, ये चार पाँच साल में दोनों मिलके हिलमिल के कांग्रेस और डिफिटेड बीजेपी का कैंडिडेट दोनों मिलके ये लूटमार करे सो है, और दोनों का मतलब अंदर से एक सटा लौटा रहते, और हम लोग बदनाम, ये कार्यकर्ता रोड पे हैं साहब, कार्यकर्ता रोड पे हैं, ईमानदार कार्यकर्ता रोड पे हैं, इज्जतदार लोगों की इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं है उसके वास्ते गलत लोगों को और बार बार धोखा नहीं देता, जो देता बार बार धोखा उनको ही देते क्या बार बार मौका, ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं होना। और गलत के खिलाफ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है, और कभी भी इतिहास अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों का नाम होता है, तलवे चाटने वालों के नाम से नहीं है। और कुछ लोग बोलते हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक हैं, अरे बाबा एक भी नहीं तुम, एक भी नहीं, एक भी नहीं, नेक भी नहीं, ऐसा अगर एक अगर नेक रहते थे तो MLC इलेक्शन में नहीं गिरते थे, एक है राम एक है लखन ये अनमोल रतन, अरे राम के पीठ में छुरा मारा लखन, ये कैसा लखन, राम लखन तो थे, अरे राजगद्दी छोड़ के वनवास चले गए थे 14 साल, और ये राम लखन एक एक पीठ में छुरी मारते, ऊपर दोनों जरिए शरीर एक मन एक नहीं रहता, उसके वास्ते ये लोगों को बार बार मौका नहीं देना, और फ्रेश निष्कलंकित व्यक्ति को मौका दिए तो ही शान पार्टी की शान है, और पार्टी के नाम को कलंक लगाने वाले और पक्षद्रोह करने वाले ऐसे लोगों को ऐसे लोग मिलते क्या तुम्हारे नज़र में, और कोई अच्छा नहीं है क्या, अरे प्रताप सारंगी उड़ीसा में जो साइकिल पे फिर पे चुन के आया, साइकिल के ऊपर फिर के चुन के आया, वैसे सेवाभावी लोगों को देखो, नए नए लोगों को मौका दो, बहुत लोग हैं साहब ये पार्टी में, इतने लोग नहीं। और हमारे भगवंत कुमार साहब को हमारी विनंती है, भगवंत कुमार साहब के इलेक्शन के समय भी जब जब कभी भी मौका जरूरत पड़ती है तभी मैं आता हूँ बाहर, नहीं तो मैं कभी बाहर आता नहीं, और मैं कभी यमदूत भी सामने आए तो डरता नहीं, मैं किसी के वश में पैसे के इसमें जाता नहीं। भगवंत खुबा साहब का इलेक्शन था MLA का MP का 2019 में, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो बोली मैं प्रेस मीडिया को उनको रिक्वेस्ट किया कि बाबा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग क्यों मराठों की ही ली जाती है, बाबा साहब के इलेक्शन में खाली मराठों का समर्थन BJP को बोल के ऐसा क्यों बाबा, दूसरे समाज के भी लोग हैं ना, उनकी भी मीटिंग ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बोले, और कुछ लोग गलत गलत बोले, हम बोला कि बाबा देश के लिए अच्छा करता है, देश की प्रगति करता है, देश का डिफेंस में मजबूत है, और सभी को न्याय देने वाला मोदी है, सभी जाति के सभी धर्म के सभी पक्ष के लोग मोदी को देश के लिए मतदान करना बोल के दिया, मैं मराठा बोल के नहीं बोल के ऐसा बोला, वो तो 3-4 लोग अभी पेशी फिर रहे MP साहब के जो इलेक्शन में समर्थन बोल के जाहिर किए, 3-4 लोग ये किए, मेरा केस में नाम नहीं है, हाँ क्लीन हैंड दो मराठा दो, नहीं 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 क्लीन हैंड मराठा दो, नहीं डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नहीं बोल रहा मैं बालकी में सबसे ज्यादा मराठों की संख्या है, और बालकी के लिए मराठा को टिकट जो बोल के बोल, किन किन को सिफारिश करते बोल रहे, अब 4-5 लोग हैं, मैं कौन कौन है, अब हाईकमांड हमारे हाईकमांड है, 4 में किसी को देते नाम बोलो, नहीं चुन के आ सकता है उनको मालूम है सब, अब जो भी है हमें मालूम नहीं, और एक बात सुनो सर, दो मालूम है, एक जंगियो है हमारे क्या बोलते दिनकर मोरे डॉक्टर साहब, एक मराठा में फर्स्ट रेसिंग में उन्होंने, दूसरे और कौन दिया, एक बात बोलते मराठा समाज, मैं फार्मूला देखो मेरा, देखो जो भी अब एस्पिरेंट लोग हैं मराठा BJP में टिकट मांगने के, जितने भी लोग पहले गिरे हैं कौन से पार्टी में क्यों नहीं रहते, वो उनको नहीं देना, फ्रेश हैंड क्लीन हैंड देना, मैं देखो मैं बोल रहा हूँ भाई, सभी बोल तो मैं बोल तो ठहरो, मैं लाइन में आ रहा हूँ, मैं देखो 89 में मेरे को टिकट मिल रहा था, मैं नहीं विजय कुमार को देव बोल के बोला, विजय कुमार भी डिफीटेड है,
कणछे भी डिप्यूटेड है, जनार्दन बिरार भी डिप्यूटेड है, बाबरो कड़जल भी डिप्यूटेड है। अब एस्पिरेंट हमारे पास तीन लोग हैं, किसी को भी नहीं देना। जो डिप्यूटेड है लिंगायत के हो, मराठा हो और कौनसे हो, खुदा के जाति के को नरते, उनको नहीं देना। किसको देना? किसको देना बोले तो जो चुन के आने वैसा है डॉक्टर मोरे। मैं बहुत सोचो, मराठा समाज के तरफ से मीटिंग लिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस बेंगलोर में, चांदवीर केसकर साहब थे, शरणु कड़गन जी साहब थे, हमारे मराठा समाज के अध्यक्ष दिगंबरा मानकरी थे। उन्होंने बोला कि डॉक्टर मोरे को दो और फाल्के को टिकट दो बोल के बोले हैं। और सबसे अब फिलहाल हालत में वही एक ही कैंडिडेट सबसे अच्छा है, ठीक है, जो डिफेंडेड है। और डिफेंडर को किसको भी दो, मोरे और भगवान खोपा और सीधराम प्रकाश खड़े, क्यों भगवान के सामने ये कर लिया प्रमाण महिला मंदिर में? देखो मैं बोलता हूँ क्यों नहीं आओ, ये देखो मैं क्या बोलता हूँ, प्याज के पत्ती को भी शपथ खाने वाले के लोग हैं, इनको ईमान इज नहीं। ये देखो मोरे पे ये भी नहीं है, ये देखो मोरे पहले भी, मैं पहले के लोगों का बोलता हूँ जी, सार्वजनिक में पहली बार ली, सार्वजनिक में शपथ खाए हैं, ये देखो हल्की में सार्वजनिक में शपथ पहली बार ली, ये देखो सार्वजनिक में नहीं लिया। देखो मैं बोलता हूँ तुम्हारे को, लोग आप देखो प्याज के पत्ती को भी शपथ खाने वाले कुछ पुराने लोग हैं। ए डी के कितने बार शपथ ले लिया, ईश्वर साहब के साथ था पहले कांग्रेस में, मैं उनकी ऐसा नहीं बोलूंगा, जिंदगी भर उनकी सेवा में रहूंगा बोला, किधर गया है? फिर गया जेडीएस में, मैं जिंदगी भर मैं जेडीएस छोड़ूंगा नहीं बोला, शपथ खाया, किधर गया केजीपी में गया, केजीपी से और इधर गया। एक क्या है, ए रोलिंग स्टोन कैनॉट गैदर मास, कभी भी प्याज के पत्ते को भी शपथ खाने वाले लोग हैं साहब, क्यों मैलान मल्लानाथ क्यों शपथ खाने को लिए? ये मराठा लोग लिंगायत लोग टिकट मांगते और बहराल मरलाना के इसमें जाके टिकट शपथ लेते, ये क्या है? सेटलमेंट देखो मनी हगरण में सेटलमेंट, मैं बोलता हूँ मनी हगरण में सेटलमेंट, इलेक्शन पिटीशन में सेटलमेंट, ये सेटलमेंट का राजकारण है। टिकट बराबर ये चुन के आ रहे हैं वैसा, अब हमारा जो है हमारा भगवंत कृपा जी के ऊपर बहुत भरोसा है, क्यों उन्होंने गेम चेंजर है। तो मेरी बात सुनो थोड़ा, एक मिनट थोड़ा मैं लाता हूँ वही पॉइंट पे। बसव कल्याण का बाय इलेक्शन था, मल्लिकार्जुन खोबा को रातों रात पार्टी में लिए और टिकट भी दिए, शरणु सलगार को भी हमारे एमपी साहब रातों रात पार्टी में लिए टिकट भी दिए चुन के भी लाए, प्रकाश खंडे जो जेडीएस में गए थे, हम भगवंत खुबा साहब के ऊपर भरोसा करते हैं और हमारे को टिकट दिलाने में उन्होंने बराबर हमारा साथ देते हमारा भरोसा है पूरा। अगर टिकट नहीं मिला तो पब्लिक किसी गुलाम नहीं, ये पब्लिक पूरा शपथ खाए, सो नहीं कैंडिडेट वो जो शपथ खाए उन्होंने शपथ लिए होंगे, उन्होंने शपथ खाए होंगे, लेकिन आम जनता का शपथ खाई नहीं, आम जनता या आम वोटर से शपथ नहीं खाए। समाज किसको सपोर्ट करेंगे सर? समाज नहीं, आम जनता, ये सबको बहुत वर्ष है, एक ही पार्टी के लोग नहीं मांग रहे, लिंगायत है, मराठा है, हरिजन है, सभी जाति के लोगों के परिवर्तन की जरूरत है और सभी वजन हुए जो है, तीनों का धंधा एक ही है, उसके वास्ते सबको परिवर्तन की जरूरत है। परसों शिवराज धंधे भी पत्रकार परिषद ली, क्लीन एंड फ्रेश हैंड जो बोले उन्होंने भी, क्लीन एंड फ्रेश हैंड, बाकी का कुछ भी ना, सबके दिल में है सर, कोई जूते को डरता है। हमारा मराठा समाज चाक के नांगर मारने वाला है, परमानेंट देते वोट देते समर्थन देते, पूरा मराठा समाज का समर्थन से के पी के और डी के बड़े हुए सही, हमारे मराठा समाज का परिवर्तन ऋण फेरने के वास्ते उन्होंने खुद टिकट नहीं मांगना और हमारे लोगों को टिकट दिलवा के बराबर जीत के लाना, तब फर्ज उनका चुकाने वैसा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या मराठा समाज किसी का बांधा हुआ नहीं है। और एक नेता अगर कोई बोलता है तो सब सुनना बोल के, अरे हर हमेशा अन्याय पक्षपात भेदभाव होने के बाद वो क्या दिल में क्रांति की लहर उठती है, कोई नेता बोले तो भी नहीं रुकते, नेता बोले तो भी नहीं रुकते। इसलिए हम क्या है, भगवंत खुबा जी के ऊपर आशा है
और हमारे भगवंत कुमार एक साक्षात श्री कृष्ण सारथी हैं, उनके हाथ में सब कुछ है और उन्होंने चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मराठों को न्याय दिला सकते। और हमारे पीके साहब पीके सब तीनों मिलके हम मराठा लोगों का कैंडिडेट को समर्थन देना और जो है उनको चुनाव के लाना ये, और उनमें जो है ईसानी की भावना ईसानी फेरने के वास्ते काम करना, ये मेरी उन सभी को विनती है। और हम सब मिलके कांग्रेस के कैंडिडेट हरा सकते हैं। नहीं मिला तो ये मराठा लोगों के दिल में अंतर्गत क्या है वो पता नहीं सर। बड़े कद्दावर नेता हमारे मराठा समाज के कद्दावर नेता इंडिपेंडेंट ठहरे सर, उसको सपोर्ट करो। किशनराव पाटिल इंचार्ज करते हैं, बहुत खुश है। उन्होंने पब्लिक दीवानी नहीं है, ये देखो सेल्फ स्वयं घोषित कैंडिडेट भी हजारों रहते, कोई पैसे देकर ठहरा कर। हाँ नहीं होगा देखो, आप पब्लिक के दिल में क्या है हम नहीं बोल सकते। हाँ पब्लिक के दिल में अच्छा है, पब्लिक के दिल में क्या है। लोगों के दिल में भाग गया है और ऐसा होता था नहीं, बराबर मिलता है। और कुमार साहब बराबर करे भी और करते भी मिलता है। हाँ मिलता है, जरूर मिलता है। दो सौ प्रतिशत मिलता है। नहीं मिले तो क्या आपका समाज का डिस्ट्रिक्ट मिलने का सवाल ही नहीं होता। 200% मिलता है उनका डिस्ट्रिक्ट, 1000 रुपये देगा मार्की भी नहीं देगा उनका शायद। उसके बाद क्या आपके समाज का क्या डिस्ट्रिक्ट भी दिया उनका मालिकी बोल के कैसा बोल रहे भी दे सकते देखो। इधर डिस्ट्रिक्ट में निकाला नहीं आता, आप मानसी तालुका की तरफ से मांग रहे और सबसे ज्यादा संख्या हमारी है बालकी में है, उसके बाद हम मांग रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट का गुप्ता लिए तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट का गुप्ता लिए तो नहीं, इसमें लिख के दिए ना इसमें लिख के दिए ना इसमें आपने डिस्ट्रिक्ट का छोड़ के बीदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा एक तालुक भी दिए तो कैसा आप बालकी तालुका कुछ मांग रहे हैं। ज्यादा है बालकी तालुका में ज्यादा है, बालकी तालुका कुछ मांग रहे हैं और बराबर हमको मिलता है बराबर। देखो इधर डिस्ट्रिक्ट में निकाला नहीं आता, आप मानसी तालुका की तरफ से मांग रहे और सबसे ज्यादा संख्या हमारी है बालकी में है, उसके बाद हम मांग रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट का गुप्ता लिए तो नहीं, डिस्ट्रिक्ट का गुप्ता लिए तो नहीं, इसमें लिख के दिए ना इसमें लिख के दिए ना इसमें आपने डिस्ट्रिक्ट का लिए छोड़ के बीदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा एक ताल भी दिए तो कैसा आप बालकी तालुका कुछ मांग रहे हैं। ज्यादा है बालकी तालुका में ज्यादा है, बालकी तालुका कुछ मांग रहे हैं और बराबर हमको मिलता है बराबर। ನಾನು ಶಾಂತಿ ಕೇಸ್ಕರ್ ಭಾತಮ್ಮ, ಬಿಜೆಪಿ ರೈತ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ,
ನಾನು 35 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮನುಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೆ ತಾಲೂಕಾಗಿದ್ದಿರಬೇಕು ಅದು ನನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮರಟ ಜನ ನಾನು ಲಿಂಗಾಯಿತು ಮರಟ ಜನ ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ತಗೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 50 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮರಟ ಸಮಾಜ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋರು ಯಾರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಂದರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳೋರು ಬಂದರು ಕೇಳೋರು ಬಂದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಅದು ಕೇಳೋರು ಬಂದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದತ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಮಾಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನಕರ್ ಮೂರರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ದಿನಕರ್ ಮೌರ್ಯರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದಿನಕರ್ ಮೌರ್ಯವರು ಪಾಲಿಕೆ ತಾಲೂಕದ ಕೈ ಕಾಲು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾ ಹೆಂಗೆ ಮರಿಗಳು ಒಯ್ದು ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನೆ ಹಾಂಗೆ ತಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠವಂತೂ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರು ದಿನಕರ್ ಮೌರ್ಯವರು ಅವ್ರ ಸೇವಾ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾಡಿದಾರ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸು ಅವರು ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ಒಂದೇ ಅವ್ರ ಹತ್ತಿರ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ತಾಳ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವಧಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು 140 ಊರಲ್ಲಿ 95 ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಔಷಧಿ ಗೋಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬಾಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಒಂದೊಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ 200-300 ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಕೊದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಮರಾಠ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಇಲ್ಲ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಇಂಥ ಸೇವೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಂತ ನಿಂದ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರಾಗಂಥ ಜನ ಅಂಥ ಜನ ಯಾವಾಗ ನಂಬಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಜನ ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಬೀಳ್ತೀರಿ ನಿಂದಿರ್ತೀರಿ ಬೀಳ್ತೀರಿ ಕೋರ್ಟಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಒಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳ ರೊಕ್ಕ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ತಗೋತೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಸಮಯ ಬಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಿಡಿಯೋಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೇಳಿದಿರಿ ಮನೆ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಶೆಟ್ ಹೊರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕಮ್ ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚು ಕ್ಯಾಶೆಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡೂರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಈ ಸಲ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ರಿ ಅವ್ರೊಂದು ಸಲ ನಿಂದಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನೀವೇ ನಿಂದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮುಕ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾಡಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿಗೇರಿ ಬೇಡ ಮುಗಿಯ ಸರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯೇ ಗೊತ್ತಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟಿಕೆ ಬೇಡದಿದ್ದ ಸಮಾಜ ನೀವು ಈಗ ಸರ್ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಿನಕರ್ ಮೌರ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪದ್ಯ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫೈನಲ್ ಮೌರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತೀವಿ ಚನ್ನಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವ್ರು ಬಾಲ್ಕಿದು ಬಸ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟದೇವ್ರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಾದ ಹಿಡಿದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಖಂಡ ಮೇಲೆ ಇವರೇ ಟಿಕೆ ಸದಾಮ್ ಧೋಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಜೀವಂತಿದ್ದಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಇದು ಕಲ್ಲಿಂದೇವ್ರ ಏನ್ರಿ ಇದು ಹಾನಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಹಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಸವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ತೂಕ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಇವರೇ ಟಿಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ
धोखा कोड़ो ना धोखा कोड़ा ना निर्णय तो सर अब तक सब धोखा देते हैं सर जितने भी भाई है पूरा मीटिंग कर दी प्रेस मीटिंग कर दी सब कर दी जब के सब डिवाइड ದಿನಕರ್ ಮೋಟರ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಂತ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ನಿಂದಿರ್ತಾವೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಬಿಡ್ತು ನಿರ್ಣಯ ಸಾವಿರ ಜನ ಏನ್ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋತಾರೆ ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ತೀವಿ भगवान को धोखा इंसान को क्या छोड़ेगी कसमे वादे प्यार उपमा सब बातें हैं जो भगवान को धोखा देने वाले लोग हैं वो जो शपथ खाए सो पुराने लोग आए हैं भगवान को धोखा दिए इंसान को क्या छोड़ते ये इंटरनेशनल फकीर है इंटरनेशनल फकीर अब मेरे को जो जैसा ताके नाम उसको आता रखेगा बोले ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಪೂಜಾ ವಂದನೆ.